कैसे विकास होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारे आगम, हमारी फिलॉसफी मीनिंग के साथ हमें उपलब्ध क्यों नहीं है। बहुत लंबा जवाब होगा लेकिन मैं छोटा जवाब दे रहा हूं, बहुत बार वो जवाब मैं दे चुका हूं, वापस एक बार दे रहा हूं कि हमारे यहां कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है, हमारे यहां कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है, कोई न्याय संस्था नहीं, कोई प्रशासन संस्था नहीं, कोई जुडिशरी नहीं। हम सारे टोटली व्यवस्था से बाहर चल रहे हैं और उसके कारण से हम कितनी मेहनत करें तो उसके परिणाम नहीं आते। उनके पास सेंट्रल सिस्टम है, क्रिश्चियन के पास सेंट्रल सिस्टम है। अभी परसों का स्टेटमेंट अपने पोप का पढ़ा होगा कि पादरियों के द्वारा जो बच्चों पर दुर्व्यवहार किया गया उसके लिए उन्होंने स्वीकृति दी, क्षमा मांगी। ये सेंट्रल सोच अपने पास कहां है और कितना बड़ा कलेजा लगता है कि अपनी संस्था में होने वाले इतने बड़े अपराध को स्वीकार करना कि गलत हो रहा है, घर के अंदर स्वीकार करना, ओपनली स्वीकार करना है। आंकड़ा तो आया उसमें कि 1000 विक्टिम और 300 पादरी उसके लिए दोषी पाए गए। अभी 300 पादरी दोषी पाए गए ये तो केवल ऊपर का आंकड़ा है, इंटरनल आंकड़ा तो जो प्रूफ हो गए वो 300 है, लेकिन उनके पास एक सेंट्रल सिस्टम है। वो अच्छी है बुरी उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा, लेकिन सेंट्रल सिस्टम है। मुसलमानों के पास सेंट्रल सिस्टम है, सिखों के पास सेंट्रल सिस्टम है, हिंदू जैन और बौद्ध, हिंदू जैन और बौद्ध इन तीनों के पास कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है। और सेंट्रल सिस्टम नहीं है तो सारा कारभार कोई आवो कोई लूटो कोई कुछ करो कोई बोलने वाला नहीं है। उस कारण से अपना साहित्य जिस तरीके से पहुंचना चाहिए उस तरीके से नहीं पहुंचता है। साहित्य बहुत प्रकाशित होता है, इतना साहित्य प्रकाशित होता है, इतना साहित्य प्रकाशित होता है, लेकिन यदि आज मुझे कोई आकर के पूछे कि मां साहब मुझे जैनिज्म को समझने के लिए कोई किताब बताओ, तो मेरे पास 2-3 किताबों का कोई किताब नहीं। जैन तत्व प्रकाश, जैन दर्शन स्वरूप और विश्लेषण, जैन दर्शन मनन और मीमांसा आचार्य महाप्रज्ञ की, जैनत्व की झांकी उपाध्याय अमर मुनि की, उसके अलावा कोई किताब मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि जिसमें पूरा अच्छी तरह से मीनिंग दिया हुआ हो। कि हमने केवल 2 काम पकड़ के रखे, बखान बाचना, गुस्सी लाना, मौका पड़े तो मंगल पाठ दे देना। बेसिक मूलभूत समस्याओं पर काम करने के लिए हमारे पास सोच भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं, समय भी नहीं, और उसके परिणाम इतने भयानक सामने आते जा रहे, इतने भयानक सामने आते जा रहे कि जैनिज्म के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ काम चलते रहता है। जैन बैनर के तले किसके खिलाफ? जैनिज्म के खिलाफ। मैंने एक जैनाचार्य को पूछा था, प्लीज इस बात को कहीं आप डिबेट में मत ले जाना, कि मैं मेरी सारी वर्किंग शुरू करने के पहले मैं स्टडी कर रहा था बहुत सारी, तो कैसी मंदिर में प्रतिष्ठा होती है, क्या कारण है उसके पीछे, क्यों लोग जुड़ते हैं, उसका भी मैंने साइंस समझने का प्रयास किया। उस प्रयास में एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि जब ये मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ शिला की स्थापना होती, पहले वहाँ एक मंत्र बोला जाता है, ओम कुर्मश पृष्ठोपरि पृथ्वी तस्याम उपरि जिन मंदिर से प्रतिष्ठा यावत चंद्र दिवाकरो स्थिरो भवेत्।
कछुए के पीठ के ऊपर पृथ्वी है और उस पृथ्वी पर हम जैन मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये स्थायी हो जाए। मेरे मन में एक ही विषय था कि पर आगम में तो कई कहानियां कि कछुए के पीठ पर जैन पृथ्वी है, आगम में तो केवल इतना ही कहा कि पृथ्वी वात लोग घन लोग तन लोग के आधार पर बात चलती है। तो मैंने एक जैनाचार्य को जाकर के पूछा कि बात तो कुर्म पुराण की है, ये बात कहाँ की है? कुर्म पुराण एक हिंदू संस्कृति में वहाँ की बात है, वो मानते कि कछुए के पेट के ऊपर धरती है, जैन दर्शन तो नहीं मानता है। मैं उनसे बिल्कुल एकांत में जाकर के पूछा, मेरे पर इतने गर्म हो गए कि तो हमारे आचार्य की गलती निकलते। मैंने कहा मास्टर मैं गलती निकालने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बात समझने के लिए आया। फिर उसके बाद मैंने एक संत से बात करी पुणे में, उस संत ने मुझे उत्तर दिया, उस संत ने मुझे उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया कि वो एक भावनात्मक स्थिति है, कछुए के पेट के ऊपर धरती नहीं है, लेकिन जैसा कछुआ एक बार स्थिर हो जाता है वैसा ही स्थिर होना चाहिए, इसलिए भावनात्मक रूप से सिंबोलिज्म वो है। अब उन्होंने बात समझाई, मैं समझ गया। तो कई बातें ऐसी होती कि जिसको समझने के लिए समय लगता है, लेकिन बहुत सारी बातें अपने पास कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है। मैं एक दो चार मिनट में बात पूरी करूंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। जो आज हमारी स्थिति है वैश्विक धर्म की स्थिति थी, जो हमारी स्थिति आज है वैश्विक धर्म की स्थिति थी। दसवें गुरु आए और उन्होंने स्थिति देखी औरंगजेब के समय में, और उन्होंने एक निर्णय किया कि अराजकता अब नहीं चलेगी, सारा सेंट्रलाइजेशन होगा। और कितना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, पहला निर्णय उनका था कि यहां से आगे कोई गुरु नहीं होगा। पूरा सिख धर्म किसके आधार पर टिका हुआ था? गुरु के आधार पर। और उन्होंने पहला डिसीजन डिक्लेयर किया कि यहां से आगे कोई गुरु नहीं होगा, जो ग्रंथ साहब है वही गुरु है। इसके पहले उनके पहले नौ गुरु हो गए, वो दसवें गुरु थे, दसवें गुरु के बाद कोई गुरु उनके पास नहीं है। गुरु कौन है उनके? ग्रंथ साहब। कितना बड़ा निर्णय। उन्होंने पंच व्यवस्था निर्माण करी, पंच प्यारे। आप जानते हो ना कि जब भी सिख का जुलूस निकलेगा तो सामने पंच प्यारे रहते हैं। उन्होंने व्यवस्था निर्माण करी, उन्होंने व्यवस्था निर्माण करी कि नामकरण करने के लिए, बच्चे का नाम रखने के लिए कोई ब्राह्मण के पास नहीं जाएगा, कोई पत्री नहीं देखेगा, नामकरण करना है गुरुद्वारे में आओ, गुरु ग्रंथ साहब की प्रार्थना करो, गुरु ग्रंथ साहब को ओपन करो और जो नाम आएगा वो बच्चे का नाम। इसलिए आप देखोगे कि सरदार जी के नाम बड़े गजब के होते हैं, बड़े गजब के होते हैं। करनाल सिंह, बुट्टा सिंह, ये सारे नाम यदि आप देखोगे, झेल सिंह, ये सारे नाम कहाँ से आए? कोई पत्री से नहीं आए, कोई जन्म पत्री से नहीं आए, कोई ज्योतिषी से नहीं, जो गुरुद्वारे ने कह दिया वो नाम फाइनल हो गया। शादी के लिए कोई ब्राह्मणों के पास नहीं जाएगा, शादी के लिए उन्होंने नाम दे दिया आनंद कारज, आओ गुरुद्वारे में, गुरु ग्रंथ साहब के साक्षी से सारी व्यवस्था कर लो। गमी हो गई कोई दूसरी क्रिया नहीं करेगा, केवल गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होगा। घर में जाना है तो भी गुरु ग्रंथ साहब, कुछ भी करना तो गुरु ग्रंथ साहब। आज एक व्यवस्था उन्होंने निर्माण कर ली। तो उस व्यवस्था के बाद आज देखो, गुरु नानक को होने को 500 साल हो गए, लेकिन अकाल तख्त की स्थापना को 300 साल हुई है। तो एक व्यवस्था निर्माण कर ली उन्होंने, और आज पूरी व्यवस्था का संचालन अमृतसर से होता है, स्वर्ण मंदिर से पूरा संचालन होता है। उनके लिए, आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, स्पेशल कानून सेंट्रल गवर्नमेंट में है, केंद्रीय सत्ता में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रतिबंध प्रबंधक सम कानून, गुरुद्वारा पर दूसरा कोई कानून लागू नहीं होता है, उन्होंने अपना कानून बना दिया। ये होता है, करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। और कितने गहरे रूप से होता है, कितने गहरे रूप से होता है। आज कितने ही लोग सिख बनते हैं,
कितने ही लोग सिख बनते हैं, कारण उन्होंने अपनी एक व्यवस्था निर्माण कर ली। मैंने 1979 से तय करके चला हूँ, 1979 से तय करके चल रहा हूँ, अभी 40 साल होने आ रहे हैं उस बात को कि मुझे व्यवस्था निर्माण करनी है। और उस व्यवस्था निर्माण के लिए मैं सारे प्रयास कर रहा हूँ, सारे कार्यक्रम जितने भी चल रहे हैं कार्यक्रम, वो कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम चलाता ही नहीं हूँ, सारी बातें मैं टीचर के साथ शेयर करते रहता हूँ, आज आपके पास शेयर कर रहा हूँ। कोई पुरुषाकार, कोई अष्टम मंगल, कोई गर्भ संस्कार, कोई गौतम निधि, ये प्रोग्राम के लिए मैं प्रोग्राम चलाता ही नहीं हूँ। मेरे सामने एक लक्ष्य है कि मुझे केंद्रीय व्यवस्था जैनिज्म की खड़ी करनी है, कि जहाँ से सही तरीके से सारी बातों का जवाब दिया जा सके, करनी पड़ेगी। आज बाइबल हर भाषा में उपलब्ध है, आपका उत्तराध्ययन सूत्र भगवान महावीर की अंतिम देशना, जिसको सर माथे पर लेकर के आप लोगों ने नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। एक पिछले 20 सालों के बाद कई उत्तराध्ययन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसके पहले कोई उत्तराध्ययन सूत्र का कार्यक्रम 3 दिन के आगे नहीं करता था। ये शुरुआत करी मैंने 92 से, और बड़े जम करके शुरुआत करी मैंने 94-95 से, कि सबसे एक्सट्रीम कार्यक्रम होगा तो उत्तराध्ययन सूत्र का होगा। और उसके बाद आज देखो कि मैं, मुझे पता है मैं किसी संत को कहूँगा कि तो ये कार्यक्रम कोई नहीं करेगा, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम को इतने ऊंचाई पर लेकर के गया कि अब सारे संतों कार्यक्रम करने लग गए। आज कोई नहीं पूछे, आज करीबन करीबन सब तरफ कार्यक्रम 15 दिन का 21 दिन का शुरू हो गए। लेकिन जरा देखो पन्ने खोल करके, 95 के पहले कौन कौन 20-15 दिन का कार्यक्रम करता था? सारे कार्यक्रम मैक्सिमम 2000 के बाद लोगों ने शुरू करे, 8 दिन के 15 दिन के, उसके पहले कोई नहीं करता था। बड़ी मजेदार बात है, जालंधर में मैं कार्यक्रम दे रहा था चतुर्मास में, और मैं तो आपको पता ही उत्तराध्ययन के बाजे कितने बजाता हूँ। तो एक दिन संघ के प्रधान ने आकर के मुझे मिले, महेंद्र पाल जी उनका नाम, वो आकर के बैठे दोपहर के समय में, बोले मान साहब आज तक इतने चौमासे करे, ये उत्तराध्ययन सूत्र का कभी नाम नहीं सुना, ये कहाँ ही क्या है? बोले ये कौन पूछ रहा है बंधु? संघ का प्रधान पूछ रहा है कि आज तक हमने उत्तराध्ययन का नाम नहीं सुना ना, आप उत्तराध्ययन को इतनी बातें कर रहे हैं। बोले तब मैंने उनको बताया कि उत्तराध्ययन क्या है। तो ये स्थितियां अपने यहां पर, और कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं निर्माण करनी जरूरी है। पूरा सिख समाज ध्यान में रखना, पूरा सिख समाज किसी ब्राह्मण के पास जाता नहीं, नाम के लिए, मुहूर्त के लिए, वास्तु शांति के लिए, वास्तु शास्त्र के लिए, कोई किसी ब्राह्मण के पास नहीं जाता, कोई पंचांग पन्ना देखते ही नहीं। उनके सारे जवाब कहाँ पर है? गुरु ग्रंथ साहब में जाना, गुरु ग्रंथ साहब की आरती करना, प्रार्थना करना, उसको खोलना, उसमें से जो जवाब आया उसको लेकर के जाना। हम लोंगोवाल गए थे, जानते हो लोंगोवाल ना, हरचिंद सिंह लोंगोवाल जहां का था, और उसका मर्डर हुआ था, आतंकवादियों ने गोली से भुना था उसको। हम उस गांव को गए थे, वहां का एक एक बच्चा एक बात को कहता है, आप भी जाओ तो आपको बोलेगा आज भी, कि हरचिंद सिंह लोंगोवाल ने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया इसलिए उसके मर्डर हुई। कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो गुरु ग्रंथ साहब की आज्ञा मांगेंगे, जाऊ कि नहीं जाऊ। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की आरती करी, ग्रंथी ने ग्रंथ का प्रकाश किया, और गुरु ग्रंथ साहब का जवाब आया कि आपने जाना नहीं है। वो बैठे वहीं पर, 5-7 मिनट के बाद वापस अरदास करी, वापस हुक्म मांगा, नहीं मिला। 5-7 मिनट फिर रुके,
फिर हुक्म मांगा, नहीं मिला, और ले जाने वाले जल्दी कर रहे थे। तो हरचंद सिंह लोंगोवाल ने मत्था टेका और चल पड़े, और चल पड़े तो 2 किलोमीटर नहीं गए होंगे तो गोलियों से भुने गए। आज भी लोंगोवाल का बच्चा बच्चा कहता है कि गुरु ग्रंथ साहब की आज्ञा नहीं मानी, उस कारण से मौत मिली। वहां तो दूसरा कोई मुहूर्त है ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की आज्ञा मिल गई, सब हो गया। और ये व्यवस्था उन्होंने बनाई, उसके पहले व्यवस्था नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह ने ही ग्रंथ साहब का निर्माण किया, संकलन किया, उसके पहले तो केवल गुरु थे। ऐसे बहुत लंबी यात्रा करते हुए एक दिन में तमन्ना 40 साल का सपना लेकर के चल रहा हूं, जिस समय शुरुआत में बोलता था उस समय कहता था कि आज सपने दे जाऊंगा, आने वाली पीढ़ी सच करेगी। अब नहीं बोलता हूं क्योंकि आप सपने मेरे सच होने के करीबन पहुंच चुके, इसलिए बोलता नहीं अब उस विषय में। तो व्यवस्था निर्माण की जाती है। कोई क्रिश्चियन किसी मुहूर्त देखता है? खारे नहीं, नहीं। और आपके आगम में कई विधान नहीं, यार कमाल की बात हो गई, कई विधान नहीं, कई सूत्र नहीं है। लोग कहते चंद्र प्रणपति सूर्य प्रणपति, कभी पढ़ा है उसको? चंद्र प्रणपति सूर्य प्रणपति